एक गूगल इंजीनियर जिसकी सैलरी 62 LPA है, टैक्सेस के बाद कितना बचा पाता है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में जो भी डेटा यूज किया है वो क्लोज टू रियलिटी है, एग्जैक्ट नहीं। सो एंजॉय द वीडियो। अब यार, एक स्टूडेंट थी कमला गीता रमन, जो कि बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी। फोर्थ ईयर के बाद उनका पैकेज लगता है गूगल में, विच इज़ वन ऑफ द ड्रीम कंपनी विद 62 LPA पैकेज। अब यार, सारे दोस्त ना पार्टी मांगने लगते हैं कि यार पार्टी दो, कितना तगड़ा पैकेज लगा है। 62 डिवाइड बाई 12 करोगे ना तो 5 lakhs पर मंथ का पैकेज है, मतलब मज़ा ही आ गया। लेकिन सच्चाई क्या है, इसके लिए पहले हम जानते हैं 62 LPA पैकेज का ब्रेकडाउन। 62 में से 22,44,000 वॉज द बेस सैलरी, बढ़िया है। 2 lakhs ज्वाइनिंग बोनस था, 1.7 lakhs रिलोकेशन बोनस था, और कुछ बोनस होता है जो कि आपको परफॉर्मेंस के बेसिस पे मिलता है बट समवेयर फिक्स्ड होता है कंपनीज में, वो था आपका 3,36,000। अब ये तो हो गए पैसों की बात, कंपनी के कुछ स्टॉक्स भी मिले, कुछ शेयर्स भी मिले, तो 62 में वो शेयर्स भी इंक्लूडेड थे। शेयर्स मिलते हैं टोटल 31,80,000 के, लेकिन ये सारे के सारे शेयर्स मिलते तो हैं ज्वाइनिंग के टाइम पे, लेकिन आपके होते नहीं है ज्वाइनिंग के टाइम पे, आपके होते हैं अगले 4 साल में थोड़ा थोड़ा करके। तो पहले साल इन शेयर्स का आपको 33% मिल जाता है, मतलब 33% आपका हो जाता है, और वो बनता है 10,50,000 का। दूसरे साल भी 33% मिल जाता है, विच इज़ अगेन 10,50,000 का। थर्ड ईयर में 22% मिलता है, विच इज़ 7 lakhs, एंड फोर्थ ईयर में जो बचा हुआ 12% है वो भी आपका हो जाता है, जो कि 3,80,000 का होता है। तो अगर हम देखें कि एक साल का पैकेज कितना है, तो आपको सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ईयर के जो स्टॉक्स हैं जो कि आपको आपके नहीं हुए अभी तक, उनको हटाना पड़ेगा। अभी 62 लैक्स का पैकेज सिर्फ 40 लैक्स का रह जाता है, और बेचारी कमला गीतारमन को अभी इस पे टैक्सेस भी देने हैं। तो लेट्स एज्यूम कि कमला गीतारमन ने न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करी और उनकी ज्वाइनिंग डेट थी 1st of April, यानी कि एक फ्रेश फाइनेंशियल ईयर। सो सबसे पहले गवर्नमेंट एक बहुत अच्छी स्कीम देती है कि आपके 75,000 रुपीज़ पे ना वो टैक्स नहीं लेती है। वो एज्यूम करते हैं कि भाई आपने ये जो पैसे हैं अपने मेडिकल में, हेल्थ में, यहाँ वहाँ यूज़ कर लिए होंगे तो खर्च हो गए होंगे, तो इन पर टैक्स मत लो, ठीक है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो 40 लाख में से 75,000 पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब बचे कितने जिन पे टैक्स देना पड़ेगा, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा रिमेनिंग 39,25,000 पे, वो भी स्लैब वाइज, ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट स्लैब्स होते हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टैक्स का रेट होता है। तो भाई पहला स्लैब जो कि सबका फेवरेट होता है, 0 to 3 lakhs, इसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना, जीरो टैक्स। जो 3 lakh rupees हैं ये अगेन आपके सेफ हैं, कोई टैक्स नहीं जा रहा इस पे। नेक्स्ट जो स्लैब है दैट इज़ 3 lakhs to 7 lakhs, यानी अगले 4 lakh जो रुपए हैं इन पे आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा, तो टैक्स बनता है 20,000 का। नेक्स्ट जो स्लैब है दैट इज़ 7 lakhs to 10 lakhs, यानी अगले 3 lakh rupees, इन पे टैक्स बनता है 10% का, विच इज़ अगेन 30,000। फिर अगला स्लैब है 10 lakhs to 12 lakhs, यानी कि अगले 2 lakh, इन पे आपको टैक्स देना पड़ेगा 15% का, अगेन 30,000। देन नेक्स्ट स्लैब है आपका 12 lakh to 15 lakh, यानी अगले 3 lakh, इन पे आपको टैक्स देना पड़ेगा 20% का, यानी कि 60,000 का, 60,000 का टैक्स। फिर 15 लाख के ऊपर जितना भी कमाओ उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा 30% का। सो हमारे केस में ये जो टैक्स बनता है दैट इज 7,27,000, ठीक है। तो टोटल मिला करके सारे स्लैब्स का अगर आप ऐड करते जाओगे तो टोटल मिला करके हमारी कमला गीतारमन जी को देना पड़ता है टैक्स 8,67,500 का, ठीक है, मज़ा आ गया। लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसके ऊपर से एक और चीज़ भी है, एजुकेशनल सेस करके एक चीज़ होती है। सो बेसिकली ये क्या होता है कि हमारे जो भी प्राइमरी स्कूल्स हैं, सेकेंडरी स्कूल्स हैं, इसमें ये फंड जाता है। और ये कैसे कैलकुलेट होता है, तो टोटल जितना भी टैक्स बना, जैसे हमारे वाले केस में 8,67,500 का टैक्स बना था, इसका 4%, इसका 4% अगर आप निकालेंगे इट विल कम आउट टू बी 34,700। तो इतना और, ठीक है, मतलब इतना और आपको टैक्स में ऐड करना पड़ेगा। तो इफेक्टिव जो टैक्स बनता है दैट कम्स आउट टू बी 9,02,200 rupees इन 40 lakhs का पैकेज। आई होप यू आर enjoying द वीडियो, बट बिफोर वी मूव ahead, मैं आपको बताना चाहता हूँ बॉस कोडर अकेडमी के बारे में। अगर आप भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में काम करना चाहते हैं बट अपने बिजी शेड्यूल की वजह से प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो बॉस कोडर आपका करेक्ट सोल्यूशन है। बॉस कोडर का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है, जिसमें आपको स्ट्रक्चर्ड करिकुलम मिलेगा डिजाइन बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, जिसमें ओवरऑल टॉपिक्स कवर होते हैं, और इसके साथ रेगुलर 1-on-1 मेंटरशिप भी मिलती है, क्योंकि हर किसी के करियर गोल्स एंड नॉलेज अलग अलग हो सकती है, तो गाइडेंस भी पर्सनलाइज होनी चाहिए।
चाहिए। इस प्रोग्राम में आपको डेवलपमेंट तो सिखाई ही जाएगी, बट इसके साथ साथ मॉक इंटरव्यूज भी होंगे एंड रिज्यूमे बिल्डिंग भी कराया जाएगा, सो दैट आपके शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बढ़ सके। बिकॉज ये प्रोग्राम वर्किंग प्रोफेशनल्स को ध्यान में रख के बनाया गया है, तो क्लासेस की टाइमिंग भी काफी कन्वीनियंट है एंड लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको इन क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी। आप एक पीयर कम्युनिटी का भी पार्ट बनाए जाते हैं जिसमें ऑलरेडी 2000 से ज्यादा लर्नर्स हैं विद सिमिलर बैकग्राउंड जो टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में प्लेस्ड हैं। अपनी अपस्किलिंग की जर्नी में अब देर मत कीजिए, चेक आउट बॉस कोडर्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये टैक्स आपका टाटा बाय बाय हो जाएगा, ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कंपनी इस टैक्स को काट करके ही आपको सैलरी देगी। तो कितना बचा फिर बेचारी कमला गीतारमन से, पार्टी मांग रहे थे लोग लेकिन अब तो पैसे ही नहीं बचे पार्टी देने के। तो बेसिकली 62 लाख का जो हम देख रहे थे कि पैकेज है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो करके बेचारा 31 लाख का पैकेज रह गया है अब। ठीक है, अब ये 31 लाख भी आपको ध्यान होगा कि इसमें से ना स्टॉक्स भी हैं, 10,50,000 के स्टॉक्स हैं। सो वो आपको बैंक में नहीं आते हर मंथ, वो आप जब बेचोगे तब मिलेंगे। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, अपनी शादी वादी के लिए, घर बनवाने के लिए पड़े रहने देते हैं वो। ठीक है, मतलब ये काम भी तो करना ही है ना लाइफ में, तो कोई निकालता नहीं है। तो इनको और काट दो, अब हम देख रहे हैं कि बैंक में कितना पैसा आएगा, तो इनको और हटाओ आप 31 लाख में से। ठीक है, तो आपका बचेगा 20,40,000 के आसपास का। इसको आप 12 से डिवाइड कर लो, आपको पता चल जाएगा कि पर मंथ बैंक में कितना हिट करने वाला है, और ये अमाउंट आपका लगभग आएगा 1.7 लाख। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। ठीक है, गूगल जैसी बड़ी कंपनी में काम करके, एंड बाकी मैंने एक्सपेंसेस की बात तो करी नहीं है, एक्सपेंसेस की मैंने वीडियो बना रखी है भाई कितना खर्च होता है अगर आप बैंगलोर जैसे शहर में रहोगे या दिल्ली जैसे शहर में रहोगे, बाहर से आकर के गुड़गांव में बैंगलोर में, तो कितना खर्चा होता है। उसके लिए मैंने अपनी पर्सनल एक वीडियो बना रखी है कि मेरा कितना खर्चा होता था, जाकर के देख लेना, अगर नहीं देखी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आई बटन पे भी आपको दिख जाएगा लिंक। तो भाई ये है, तो पार्टी वार्टी मांगना बंद करो किसी से भी, अपना खुद का पैकेज निकालो, तैयारी पे ध्यान दो अपनी। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई इतना अच्छा जो पैकेज है इफेक्टिवली आपके बैंक अकाउंट में कितना आता है। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।